फिलर हमें कर दें हमने इन्हांसमेंट करनी है जी कि जी फिलर क्या है फिलर एक मटेरियल है जो हम आपकी बॉडी में डाल रहे हैं mm -hmm. वो एक बाहर का मटेरियल है वो आपकी स्किन का नहीं है आपकी बॉडी से रिलेटेड नहीं है ठीक है आप वो जब डालते हैं तो जो मोस्टली जलता है वो हाइलोनिक एसिड वाला होता है फिलर तो उस वो क्या होता है कि वो वाटर uh, को एब्ज़ॉर्ब करता है इन द बिगनिंग तो जब आप लगाते हैं तो उसने वाटर को एब्जॉर्ब करना है फ्राम योर बॉडी और वो ज़्यादा स्वेल करता है

मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती लेकिन ये हो सकता है कि भाई उन्होंने भी कोई इस तरह के फिलर्स लगाए हों जो फौरी जो था उसका जो बूस्ट आया वो उसकी स्वेलिंग थी जो नज़र आई लेकिन वो विद टाइम सेटल डाउन हो गया ठीक है अच्छा ये जो बेसिक जैसे हम बोटॉक्स फिलर्स और शेप जॉ लाइन इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं कितना इस पर खर्चा आ जाता है देखें ये तो डिपेंड करता है कि आप एक, एक जनरल क्या हम माइंड में रखें ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है मार्केट में कोरियन प्रोडक्ट्स भी हैं चाइना के प्रोडक्ट्स भी हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी हैं तो जिस तरह जिसकी एस्टिमेशन तो बता देना एस्टिमेशन तो है सचिव थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शल सा हो जाएगा बिकॉज <laughs> तो इट तो डिपेंड्स के क्लिनिक के अपने चार्जेस क्या हैं सर्जन अपनी फीस क्या लेता है वो प्रोडक्ट जिससे ले रहे हैं क्योंकि हम खुद तो नहीं मंगवाते हैं हमारे बीच में जो उनको ले के आते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। होता है ये नहीं procedure. इतना एक्सपेंसिव नहीं होता <laughs> लेकिन जैसा अगर आप फिलर्स लगवा रहे हैं तो अगर एक बेसिक क्लिनिक है जिन्होंने स्टार्ट किया है फिफ्टी थाउजेंड से भी स्टार्ट हो सकता है दैट कैन रीच अप टू वन लैख तो डिपेंडेंट कि आप कौन सा प्रोडक्ट क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस मेन होती है जो हमारे कस्टमर्स नहीं समझते ठीक है कि अगर मैं उनको एक सस्ता प्रोडक्ट लगा दूंगी और पैसे कम कर लूंगी बिकॉज डेफिनेटली मैं भी जो बैठी हूँ मैं इसीलिए बैठी हूँ कि मैंने भी खुद कमाना है ऐसा तो नहीं।, नहीं है कि मैंने अपने कुछ नहीं लेके जाने लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम अपना कम से कम रखें ठीक है लेकिन जो प्रोडक्ट हमने मंगवाया होता है क्योंकि अगर मैं अपने किसी पेशेंट को एक गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाऊंगी और लेटर ऑन वो किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ मेरे पास आएगी तो वो मेरा नाम भी तो खराब होगा ना मेरा क्लाइंट भी खराब होगा तो मैं ऐसा चाहूँगी अच्छा बहुत सी आ, ही नहीं ये तो यंग लड़कियों का भी मुझे लगता है कि मसला बन गया हुआ है कि डबल चेन हो गई है हाँ जी इसके लिए कौन सी सर्जरी या एक्सरसाइजेज से भी ये पॉसिबल है खत्म करना एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव होती हैं लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना अर्ली स्टार्ट कर देते हैं अगर तो आप शुरू से आदी हैं इस चीज़ के कि आप रेगुलर हैं एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली एक्सरसाइज आपकी स्किन को टाइटन अप करता है वो एक मसल्स को टाइटन करता है, तो मसल्स रिलैक्स नहीं होते आपकी स्किन उस तरह रिलैक्स नहीं होती तो बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है सिंपल एक्सरसाइज से hmm. लेकिन अगर आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई हैं कि वहाँ पे आपने एक्सरसाइज नहीं की है आपका एक पूरा बल्क नीचे नजर आ रहा है आपका फैट प्रोमिनेंट हो रहा है आपकी स्किन वहाँ से ढलक गई है वो रिंकली सी फील होने लग गई है तो वो जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लें दैट विल नॉट इफेक्ट hmm. एक्सरसाइज का फिर उस पोजिशन में इफेक्ट होगा आफ्टर दी सर्जरी yeah. या आफ्टर द प्रोसीजर आप अगर लाइपोसक्शन कर रहे हैं या आप चिन लिफ्ट कर रहे हैं या चिन ऑगमेंटेशन कर रहे हैं तो उसके बाद अगर इफ़ यू कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज टू मेंटेन दैट थिंग कि अब जो करना था जो फैट थी वो रिमूव हो गई है hmm. अब फर्दर फैट ना हो और फर्दर स्किन लैक्स ना हो मसल्स भी ठीक रहे उस वक्त आपकी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है ठीक है अच्छा किसी ने ए, कोई भी एक सिंपल प्रोसीजर करवाया है फॉर एग्जाम्पल डबल चेन के hmm. लिए रिमूवल के लिए कुछ करवाया है तो ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है मतलब आप फोरी तो जाहिर है फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे लोग स्क्रीन पे डेली आते हैं hmm. तो क्या हमें एक वीक दो वीक एक हफ्ता एक साल कहीं रेस्ट पर तो नहीं जाना पड़ेगा नहीं <laughs> नहीं इसमें रेस्ट नहीं होता hmm. जो लाइपोसेक्शंस होती है मोस्टली अब चीज चीज है है ना कि हर डिपेंड करती है। hmm. अगर आप सिर्फ एक चिन की को देखें, तो hmm. 45 hour, hmm. okay, जब आपने करना है मोस्टली ये भी में या लोकल में कर देते हैं कि hmm. आपको इवन पेशेंट को भी नहीं देना पड़ता hmm. अगर पेशेंट आपके साथ कॉपरेटिव है तो आपने वो थर्टी फोर्टी फाइव मिनट जो आपके लगे उसमें क्योंकि so या ब्लड फॉर्मेशन वहां पे ना हो डेड स्पेस खत्म करने के लिए वो आपने कर दी उसके बाद ये होता है कि कुछ दिन आपने एहतियात करनी एक हफ्ता भी ज्यादा है इसमें चिन वाले के लिए तो कुछ इतना खास नहीं करना होता ठीक है बोटॉक्स फिलर्स का भी ये होता है कि बोटॉक्स क्या है बोटॉक्स hmm. है आपके मसल को जो पैरालाइज है hmm. आप समझ लें कि वो कुछ अर्से के लिए उसने उस मसल को मार दिया है कि वो कोई काम नहीं करेगा hmm. तो आप जिस तरह बोटॉक्स हम लगाते हैं अपर फेस के लिए मोस्टली कि जो hmm. आपके रिंकल्स हैं यहाँ पे, यहां पे है, है, आपके यहाँ पे लाइन्स हैं आपकी बनी लाइन्स हैं आपके क्रोस फीट हैं इन सब के लिए बोटॉक्स है hmm. तो बटॉक्स क्या करेगा कि उन मसल्स को रिलैक्स कर देता है कि वो काम ही ना करें हुँ. तो आपको क्या होगा बाद में फील जब आप ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन कह रही जब आप बटॉक्स लगवा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो मसल क्योंकि बिल्कुल डेड है तो इफ़ यू वॉन्ट टू तो फ्राउन आप अगर यूँ करना चाह रही हैं तो यू विल फील कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है हुँ. आप कर नहीं पा रही हैं उस तरह से दूसरों को देखने वालों को भी लगेगा कि भाई ये तो जो नहीं है मास्क फेस जिसको आप कहते हैं hmm. तो उसमें क्या सही चीज़ है उसमें ये है कि फिर यहाँ पे बात आ जाती है असेसमेंट की कि आपका जो प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन है जो ये कर रहा है वो इतना विजिलेंट हो कि उसको आइडिया हो कि कितने यूनिट्स लगाने और कितनी देर तक ये रहेगा जो बुटोक्स है और उस दौरान आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करते रहना पड़ेगा करना पड़ सकता है शुरू में फिर आपको आदत हो जाती है अच्छा एक और चीज़ आजकल परमानेंट मेकअप भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर लैशज नेल्स वगैरह तो ये तो आइडिया है ही सब लोगों को लेकिन परमानेंट मेकअप भी कोई होता है जैसे हमारी सी एम के लिए अक्सर लोग लिख रहे होते हैं माइंड ना कर लें वो लेकिन लिख रहे होते हैं कि भाई इन्होंने तो परमानेंट मेकअप या किसी एक्ट्रेस एक्ट्रेसिस के बारे में लिख रहे होते हैं अच्छा परमानेंट मेकअप का क्या सीनारी है उसमें ये है कि आर स्पेसिफिक जो अवेलेबल होते हैं और जिसको है। एक स्पेसिफिक आप प्रोसीजर कह लें जिसको माइक्रो नीडलिंग कहते हैं उसके साथ आप वो इंजेक्ट इंजेक्ट तो नहीं रहे कर रहे होते लाइक माइक्रो नीडलिंग इसके वो स्मॉल पंक्चर्स कर रहे हैं आपके फेस है, पे या आपके लिप्स पे अगर आपको लिप कलर कराना है और ऊपर से हम डाल रहे होते हैं वो वाला टेंट लाइक like अगर आपने बीबी ग्लो कराना है या बीबी आपने फेस कराना है तो आप वो बीबी -बी क्रीम एक मिलती है जो स्पेशल होती है इसी काम के लिए बिकॉज़ वो उन पंचर्स के थ्रू आपकी स्किन के अंदर पेनट्रेट कर जाती है आप समझ वो जो पोर्स हैं पोर्स तो एक डिफरेंट है उन पंक्चर्स में वो घुस गई है hmm. और फिर वो जाहिर बात है एक शेड देगी आपको तो सर्टन ब्राइटनेस आ जाती है एक आपको नीट लुक लग लग जाती है कि भाई अच्छा बड़ा क्लीन और नीट फेस हो गया है इसी तरह जिनके लिप्स डार्क हैं या जिनको अपना लिप कलर नहीं पसंद और वो चाहते हैं कि हर वक्त मैं बड़ी फ्रेश और इस तरह हाँ है वही प्रोसीजर है कि माइक्रो नीडलिंग स्पेसिफिक जो लिप्स के लिए होती है उसमें हम टेंट्स चेक करा देते हैं पेशेंट को कि ये, टेंट्स देख लो, ये 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 टेंट्स कलर अवेलेबल है वो खुद अपनी पसंद से ऑप्ट करती हैं वही जो कलर है स्पेसिफिक वो उस टाइम डाला जाता है बट वही बात की ये भी टेम्प्रेरी हो ठीक है।, है अच्छा इसकी कोश भी बताइएगा परमानेंट मेकअप अगर किसी ने कराना है और ये कितनी देर तक जो है वो रह सकता है और एहतियात क्या करनी पड़ती है लेकिन जब भी आपने स्किन पे पंक्चर किया है माइक्रो नीडलिंग की है इट मीनस आपने छोटे छोटे ज़ख़म किए हैं बूम्स बनाए हैं hmm. तो डेफिनेटली आपको ख्याल करना है क्योंकि कि इन्फेक्शन ना हो आपने कोई केमिकल और नहीं लगाना कोई मेकअप नहीं करना फॉर द नेक्स्ट टू थ्री डेज जब तक वो पंचर्स बिल्कुल क्लोज नहीं हो जाते क्योंकि छोटे होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं क्लोज ठीक है अबाउट ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू आवर्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं लेकिन okay. इस टाइम पे आपको ख्याल रखनी है कि आपने ज़्यादा कोई केमिकल ना लगाए आप धूप में ना निकले आप घर में चूल्हे के सामने ना खड़े हीट लगे और वो खूब प्रॉब्लमेटिक हो और थोड़े अरसे आपने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी लगानी होती है सो hmm. दैट so आपका इन्फेक्ट ना हो किसी स्किन या किसी हाथ लगने से या किसी भी चीज़ से कॉस्ट hmm. इसकी अगेन डिपेंड करती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल बी राइट के थर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड पर भी पड़ सकता है और अगर आप सस्ता लगाएंगे तो ट्वेंटी से नीचे भी चला जाएगा तो इसीलिए यही चीज़ है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं ना उनमें जो फैलाने की बात है वो ये अवेयरनेस दिखाने की जरूरत है कि आपको अगर एक क्लिनिक वो ना आजकल जैसा विंडो शॉपिंग करते हैं ना कि आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं और एक एक शॉप पे जाते हैं दूसरे पे रेट्स वेरी तो मेरे पास काफ़ी आएंगे ना पेशेंट तो वो यही कहते हैं कि जी फला डॉक्टर तो है वो तो मुझे ये पाँच हज़ार में कह रहे हैं आप इसके पंद्रह हज़ार कह रही हैं तो मैं तो उनको कहती थी कि आप फिर उन्हीं से करा दें बिकॉज आई नो कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इसी तरह जो डॉक्टर आपको बता रहा है वो अच्छा प्रोडक्ट यूज़ आप प्रोडक्ट देखेंगे वो क्या यूज़ कर रहा है वो क्वालिटी कैसी है ठीक आप एक चीज़ अपनी स्किन के अंदर ले रही हैं अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं है वो रिएक्ट कर सकती है वो इन्फेक्ट कर सकती है ना इसका टाइम पीरियड क्या है ये कितनी देर तक टाइम पीरियड इसका वही है कि थ्री टू तो फोर मंथ्स बस और कॉन्टिन्यूसली अगर कोई परमानेंट मेकअप की तरफ जाता है ये माइक्रो नीडलिंग की तरफ तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स अगर तो आप अच्छा वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं जो जो आ स्किन जो टेस्टेड है जिसका पता है कि इसकी पेनिट्रेशन आपके स्किन को और आपके लिप्स को या आपके जो आप आई वगैरह करा रही है उसमें प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो फिर तो कोई मसला नहीं है आप बार बार भी करा सकती हैं माइक्रो नीडलिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर वो वैसे भी स्किन की अच्छी हीलिंग और कोलेजन जो इंडक्शन है वो करता है तो वो तो अच्छा ही है मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है इज इज इट सेम लाइक और ये जो अब प्रोडक्ट hmm. जो आपके ब्लड से निकाला जाता है इट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वो प्लाज्मा है ठीक उसको आपने कैसे लेना है उसके फर्दर प्रोसीजर्स है माइक्रो रीडलिंग इज वन ऑफ द प्रोसीजर्स जिसके साथ आप पीआरपी ले सकते हैं hmm. और इसी तरह इंजेक्शन होते हैं कि आप डायरेक्ट इंजेक्शन स्किन में ले लें या स्कीप पर ले लें अगर आपने हेयर के लिए लेना है